Shatrughundi Vinashaya, peace, jovial, speciousness, prosperity. ऐसा प्लेटफॉर्म यह है या मैं कहूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है जो समाज के कल के भविष्य का निर्माण कर सकता है. निष्काम सेवा भावना, सामाजिक एकता, राष्ट्र प्रेम, चरित्र निर्माण, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, मैत्री, वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को अपनाकर स्काउट्स एंड गाइड्स ने परिवर्तन की चाबी भावी पीढ़ी के हाथ में सौंपने का काम किया. कोविड के दौरान भी जिस तरह से स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने और पूरी टीम ने काम किया उसकी भी पूरी पूरी प्रशंसा मैं करता हूं. जब भी स्काउट्स एंड गाइड्स की चर्चा होती तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है चेंज मेकर और इस रूप में उनका चित्र सबके दिमाग में उभरता है. एक ऐसी युवा शक्ति जो सेवा और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव स्थापित करने के लिए बेचैन क्या कर रहे हैं आपको कहा लाइव चल रहा है. हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो हमें अपने आप में लाना और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई प्रथम पुरुष एक वच बड़ी बात करना और स्वयं उस रास्ते पर पहुंच मुझे लगता है परिवर्तन समाज में उससे नहीं होता इसीलिए बापू ने बात कही थी. पूज्य बापू के दर्शन के अनुरूप स्काउट्स एवं गाइड्स ने व्यक्तिगत रूपांतरण के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण की मजबूत नींव तैयार करने का एक भगीरथ प्रयास किया है. राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि, मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि इस भावना से अगर आप सभी कार्य करते रहेंगे तो हर कदम पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी. युवा साथियों, व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए आप सभी में अकेले चलने का साहस होना चाहिए ताकि आपके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित हो सके एवं जीवन पथ की कठिनाइयों समझते सुलझाते सेवा की भावना और गहरी. मैं जब भी नौजवान साथियों से मिलता हूं तो निष्काम सेवा के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर का वचन जरूर ध्यान में आता है और युधिष्ठिर कहते हैं न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तत्ता नाम प्राणी नाम आदि नाशन. मुझे राज्य की कामना नहीं है. मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं. मुझे स्वर्ग भी न मिले, मुझे जीवन में मुक्ति भी न मिले, लेकिन हे ईश्वर मेरी कामना तो यही है कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं. जीवन वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा दिखाए गए सेवा भावना की इन मूल्यों का निचोड़ है और उस भावना को आगे बढ़ाते हुए महर्षि व्यास ने एक श्लोक लिखा परोपकार पुण्याय पापाय परकीर्तनम. यानी निस्वार्थ भाव से आप मानव सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को आप तकलीफ देते हैं दुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है. मैं समझता हूं सेवा के सच्चे पथिक के रूप में पिछले कई दशकों से स्काउट्स एंड गाइड्स के लाखों सदस्यों विचारों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है और आत्मविश्वास धैर्य के साथ समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे. मैंने पहले चर्चा की थी कोविड पैंडेमिक के दौरान आप सबने समाज सेवा में अपने को झोंक दिया था. इस महामारी के प्रभावों को आप सबने बहुत करीब से देखा इसलिए आप जानते इसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा. विश्व के सभी समाज ने भी उस बदलाव को महसूस किया और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज हमारा देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उठा है. इस बदलते समय में युवा ऊर्जा अपनी आवाज को एक्शन में तब्दील करना होगा. प्रशासन के
की साझेदारी के साथ उन कार्यों में जुटना होगा जिससे भारतवर्ष को हम सफलता के शिखर पर पहुंचा सकें।